आज की हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। जी हाँ, वी लुकअप, हमने लुकअप रेफरेंस मेथड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो पिछली क्लासेस में हमने आपको वी लुकअप के बारे में बताया, हमने आपको मैच और इंडेक्स के बारे में बताया, ऑफसेट के बारे में बताया, एच लुकअप के बारे में बताया। आज हम आपके साथ कुछ वी लुकअप के ट्रिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है हमारा, डेटा में एक सेल्स की आईडी है जो कि इम्पोर्टेंट आईडी है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास सिटी है और इसकी क्वांटिटी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक नई शीट पे ले जाता हूँ। अब मेरे पास नेम है और यहाँ पे उनकी सिटी है। अब प्रॉब्लम यह है कि कविता इसमें कई बार रिपीटेड है, या पूजा पुणे में भी है और मान लीजिए पूजा हमारा जयपुर में भी है, और मान लीजिए पूजा हमारा ये आपका नागपुर में भी है। तो मुझे यहाँ पे नेम, सिटी और यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए। तो नेम में हमने पूजा दिया और यहां मैं बोलता हूँ पुणे का सेल चाहिए। तो चलो पूजा पर यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने नॉर्मली पूजा एक बार रिपीट हो रहा है तो पूजा को अकॉर्डिंग लगा लीजिए, लेकिन पूजा यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा है, पूजा हमारा मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम हमारा रिपीट कर रहा है तो किसी भी कंडीशन में वी लुकअप दो कंडीशंस को मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें एक रो इंसर्ट करना होगा, एक अलग कॉलम हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे एक नया कॉलम को इंसर्ट किया। और इस पे हमें कुछ यूनिक आईडी बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे हम इन दोनों को लिंक कर देगा आपस में, मैंने इसको कंबाइन कर दिया। और फिर इसको नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया, हमने एन परसेंट के साथ ज्वाइन किया इसको पुणे को, और यहां पे आ गए एन कॉमा 1 2 3 4। ऐसे अगर तीन कंडीशन है तो तीन कंडीशन को, चार कंडीशन है तो चार कंडीशन को कंबाइन करके किया जा सकता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? सर एक बार रिपीट कर देंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पे क्या किया कि इन दोनों को मर्ज कर दिया, सिंपल सा कॉन्कॉर्डेंट लगा के, ये आपके सामने आ ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन एक और आता है,
क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि अगर कई बार रिपीटेड है, अगर डेटा मान लीजिए आपके आपकी एक ही नाम कई बार रिपीटेड है, तो इसमें आप अपना पहला तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, इसमें मान लीजिए कि अगर हम पूजा कहीं ढूंढें तो पूजा इसके कई बार रिपीटेड है। अगर मैंने यहाँ पे दिया कि पूजा और हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया और डेटा में हमने इसको कॉमा 2 कॉमा 0 कर दिया, 51 आया, लेकिन मुझे चाहिए सबसे लास्ट वाली पूजा की से, ये हमें 68 नहीं 66 ये चाहिए। सबसे लास्ट बार तो इसमें कोई मैक्स इफ का फॉर्मूला तो है नहीं कि आप मैक्स नहीं मैक्स इफ नया फॉर्मूला आया लगा सकते हैं, मैक्स इफ का नया फॉर्मूला आया है आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तो इसमें भी आपको पूजा के हाईएस्ट नंबर देगा, मुझे इसमें चाहिए सबसे लास्ट वैल्यू पूजा, तो इसके लिए भी हमें हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट दिखाता है, बट लास्ट वैल्यू कैसे दिखेगी क्या जरूर, लास्ट वैल्यू तो मुश्किल है ना। तो यहां पे हम देंगे, यहां देंगे क्या देंगे, एक तरीका है एरे के तरीका से तुम कर सकते हैं, एक यहां पे क्वेश्चन है यहां पे काउंट इफ का, काउंट इफ के जरिए हर एक किसका सीरियल नंबर हम लेंगे B2 से B2 कॉमा B2, तो अगर मैं पहले वाले B2 को अगर फ्रीज कर देता हूं, फिर इसको नीचे के तरफ मैं ड्रैग करता हूं, तो अगर आप फिल्टर करके देखोगे तो हर नाम को इसने एक यूनिक वैल्यू दे दिया है, तो मुझे सबसे हाईएस्ट 11वां है उसका नंबर यहां पे चाहिए, तो इसके लिए क्या करें, क्योंकि तो मुझे यहां पे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए 11, तो इसके लिए हम यहां पे इसके साथ कॉनकेटा नेट कर रहे हैं इसको नेम, ताकि 1 पूजा 2 पूजा और कविता पूजा आ जाए, और यहां हम वी लुकअप लगाएंगे, तो लुकअप वैल्यू में होगा काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने इस नेम को लिया और इसको ले लिया, तो ये बता देगा कि आखिर कितना बार रिपीट हो रहा है, इसके साथ इसका नाम हमने दे दिया और हम लुकअप में इसको लगा देते कॉमा 3 कॉमा, ये काम कैसे कर रहा है देखिए यहां आपके सामने दिख रहा है कि काउंट इफ का फॉर्मूला क्या कर रहा है, पूजा एक काउंट करके दे रहा है कि 13 इस पूजा इस कॉलम में 13 बार आया हुआ है, तो 13वां चाहिए, तो 13 हो गया हमने दे दिया, अब 13 के साथ हमने डैश लगा के पूजा को कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पे आपको 13 पूजा आ गया, और फिर हमने इसको आपस में किया तो ये आपका 66 दिख गया, तो पूजा के लास्ट वैल्यू यहां पे दिख गई, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, नहीं नहीं सर। आ गया ना, क्लियर है सर ये फाइल शेयर कर दीजिएगा क्लास के बाद। जी सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तीसरा क्वेश्चन में हम चलते हैं, ये भी लुकअप से रिलेटेड ही हम इस चीज को कर रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमने इसकी अकॉर्डिंग चला, दूसरे क्वेश्चन में हमने ये डाला, तीसरा क्वेश्चन चलिए हम बनाते हैं क्या होना चाहिए वी लुकअप।
हमने यहाँ पे पहली और दूसरी की रिपीटेड जो वैल्यू होती है उसमें दिक्कत होती है। अब चलिए रिपीटेड की ही बात करते हैं। अभी यहाँ पे हम तीसरे को तीसरे एग्जांपल में आते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए उदय कुमार, ये मान लीजिए कि एक ही बार डेटा आया हुआ है, ये बहुत सारा डेटा हमें इसमें से हटा देता हूँ। तो मेरे पास उदय कुमार है लेकिन मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ उदय, क्योंकि तो कभी उदय आता है कभी पे उदय कुमार आता है, मुझे इसकी क्वांटिटी को मैच करना है। उसके लिए यहाँ हम वी लुकअप लगाएंगे, उदय को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, कॉमा टू कॉमा जीरो करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि एन ने आया। अगर उदय होता तो यहाँ पे आपको दिख जाता, मेरा नाम में उदय कुमार। तो अगर मैं अपने इस डेटा में अगर मैं दोनों तरफ स्टार लगा देता हूं तो यहां पे हमारा डेटा दिख जा रहा है, मतलब दोनों तरफ स्टार लगा दिया जिसका इसको जिसका ये हो गया कंटेन। अगर मैंने स्टार उदय किया तो हो गया एंड विथ, अगर मैंने उदय कर दिया और फिर स्टार लगाया तो हो गया स्टार्ट विथ, समझे? स्टार्ट विथ एंड विथ, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो अपने डेटा में लगाना पड़ रहा है लेकिन मेरे पास यहां सिर्फ उदय लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे नाम है तो हर किसी में जाके स्टार लगाना तो पॉसिबल नहीं ना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे दादा, उस केस में मैं वी लुकअप में ही स्टार को ऐड कर स्टार को ऐड कर एक तरफ करना कंबाइंड कॉन्कट आने से लगा। लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए इसमें जो है एक आर 40 के नाम से या आर 70 के नाम से यहाँ पे कुछ नाम ऐसे डले हैं तो ये यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे आर 10 भी हो सकता है, मतलब कि हमारे पास कुछ तो एम्प्लॉई हैं जो कि हमारे इनहाउसेस के हैं, कुछ इम्प्लॉई हैं जो कि हायर किए गए हैं वेंडर के थ्रू। तो वेंडर के थ्रू जो हायर हुआ तो उनका नाम हम रखते हैं, उसकी वेंडर का जो कोड होता है वो कोड हम रखते हैं। तो मुझे मान लीजिए कि एक डेटा में वेंडर कोड हो सकता है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं तीन डिजिट वाला नंबर को लुकअप करना चाहता हूँ। तो उस केस में हम तीन बार क्वेश्चन मार्क डालेंगे और वी लुकअप लगा देंगे, तो जो जिसके अंदर थ्री डिजिट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लुकअप कर देगा, सिर्फ तीन डिजिट वाले जो होंगे वो आपका लुकअप यहाँ कर देगा, ठीक है? किसी को डाउट? नो सर। तो तीन डिजिट वाले यहाँ पे आपके लुकअप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर आपने तीन क्वेश्चन मार्क दे दिया तो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है, समझे? कि अगर मैं यहाँ पे कर दू 781 और यहाँ एन में आए, क्यों? क्योंकि नंबर पे क्वेश्चन मार्क या जो भी स्टक किया है एक ही नंबर के ऊपर नहीं चलता है, समझ गया? क्लियर है? जी हाँ, ये नंबर के ऊपर आपके नहीं चलेंगे, इसका ध्यान आपको रखिए।
तीसरा यहाँ पे आता है कि मेरे यहाँ पे सेल्स डले हुए हैं, मेरे यहाँ पे कुछ सेल्स के फिगर डले हुए हैं। अब मुझे इस पे इंसेंटिव देना है। आप बोलेंगे सर इंसेंटिव के लिए तो जनरली हम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वी लुकअप क्यों 41 टू 30 हो तो 1000, 81 टू 100 हो तो 2000, और ग्रेटर देन 100 हो तो 5000। क्लियर है? इसको अगर इस पे इफ का फॉर्मूला लगा रहे जैसे इससे पहले लगाया था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसको हम बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग पॉइंट आप यहां पे लिख दीजिए और यहां पे इसको आप कॉपी कर देते हैं और सिंपली मैं यहां पे देता हूं फॉर्मूला वी लुकअप। हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा 2,0, लेकिन जीरो करने से क्या होगा एग्जैक्ट मैच मतलब कि फॉल्स। मैं यहाँ पे वन मीन्स ट्रू कर देता हूं तो ये हमारा ग्रुप लुकिंग करेगा। ये देखेगा कि 47 किसके बिटवीन में है, जिसके बिटवीन में है उसका ऊपर वाला पार्ट के सामने वाले वैल्यू शो करेगा। तो ये आपका वी लुकअप से भी कर सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि वी लुकअप में ये आपका जीरो के जगह पे वन का क्या एग्जाम्पल क्या यूज है तो आप यहां पे बता सकते हो। बात होती है कि यहां पे आप एक चीज और कर सकते हैं लुकअप। लुकअप हमने इसको लुकअप में लिया और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया कॉमा इसको सिलेक्ट कर दिया। लेकिन लुकअप का बेनिफिट है कि आप जो है इसके अंदर अपने डेटा को भी दे सकते हो 41,81,101 कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया कॉमा यहाँ पे 500, 1000, 2005 रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, विदाउट इसमें चले इसका यूज कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा समराइजेशन में हम बात करेंगे समिफ के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे समिफ के बारे में और समिफ से रिलेटेड हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। रिगार्डिंग का परमिशन दे दीजिए। दे दिया सर मैंने। ठीक, फाइल मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आपके सामने मेरे पास एक डेटा है, मैं एक डेटा को देखता हूं। डेटा है आपके सामने, अब इस डेटा
अब डेटा आपके सामने है और मुझे इस डेटा के ऊपर मान लीजिए कुछ सम करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इसके ऊपर नेम वाइज उनके क्वांटिटी का टोटल चाहिए, ठीक है, मुझे नेम वाइज इसकी क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम इसको जनरली, जैसे कि अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो जनरली हम पिवट इस्तेमाल करते हैं, तो हम पिवट टेबल में जाएंगे और इसका टोटल निकाल सकते हैं कि भाई नेम वाइज क्वांटिटी का टोटल क्या है, आ जाएगा। लेकिन मुझे इसी नेम के हिसाब से टोटल चाहिए बाया फॉर्मूला, क्योंकि इसलिए इसको हम डेटा समराइजेशन फॉर्मूला कहते हैं कि जो समय से हम पिवट के जरिए करते हैं सेम चीज हम यहां पे करना चाहते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, हेलो, हमारी क्लासेज ऑनलाइन होती है रिमोट शेयरिंग सिस्टम से, जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं, लाइव इंटरैक्टिव वन टू वन, वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसलिए क्लासेस ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन लाइव होता है सर, कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है। एक ऐप के जरिए जैसे कि एनीडेक्स हो गया, जूम हो गया, गोटू मीट हो गया, ऐसे ऐप के जरिए हम आपके साथ कनेक्ट होंगे, लाइव क्वेश्चन होगा, ऐसे में आपको 3 से 4 डेमो क्लास देंगे, अपनी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, क्लास डेमो क्लास ले, अगर अच्छा लगे तो फिर आगे बातचीत बारे जो भी बातचीत कर लेंगे। सामान्य करते हैं लाइव है हमारा, लाइव और इंटरेक्टिव है, मतलब कि क्लासेस में मैं खुद बैठूंगा और आप भी बैठेंगे, हम दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे, जैसे फोन पे कैसे इंटरेक्ट है, ऐसे हेडफोन से इंटरेक्ट रहेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस है, तो आप अपनी वेबसाइट iptindia.com पे जाए, वो अपने अकॉर्डिंग कोर्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप डिसाइड कर दें। एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल जो कि 2 महीने का कोर्स है, इसकी फीस आपको पड़ेगी 7,500। हाँ, एक्सेल और एक्सेल फॉर्मूला नहीं, वो तो सर MS ऑफिस में आ जाता है, आपने एडवांस एक्सेल की इंक्वायरी किया है। देखिए MA ऑफिस अगर करते हैं तो उसमें आपका एडवांस नहीं होगा, इंटरमीडिएट लेवल होगा, फिर 6,000 का पैकेज है जिसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक सारा आता है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल होता है, एडवांस लेवल नहीं होता। नहीं, एडवांस में सिर्फ हमारे पास एक्सेल है, अभी एक्सेल है, MIS है। सॉरी सर, मैं आपका 2 मिनट बर्बाद कर दिया। तो यहां पे हमारे पास डेटा है और मुझे इस डेटा में यहां से टोटल निकालना है, किसकी क्वांटिटी, जिसको हमने जिसके लिए हमने पिवट का इस्तेमाल किया था। बट पिवट का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे रियल टाइम अपडेशन चाहिए, तो उस केस में हम यहां पे सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। और सम इफ क्यों कर रहे हैं, देखिए मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, सम इफ और सम इफ्स, बट हम सम इफ क्यों कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक ही कंडीशन है कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए, तो हमने यहां पे इसको सेलेक्ट किया और हमने पूजा को सिलेक्ट किया, मतलब पहले क्राइटेरिया, मतलब कि किसमें मैच करना है, क्या मैच करना है और टोटल क्या है, वो आप यहां पे डाल दीजिए, आ गया, और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। आप बोलोगे तो मैं इसको दोबारा बना के लगा के दिखाता हूं। मैंने यहां पे क्या किया, इक्वल सम इफ, हमने रेंज को लिया, कॉमा, क्राइटेरिया लिया और हमने यहां पे ले लिया क्वांटिटी, इस तरह से हम इसका टोटल निकालते हैं। तो रजनीकांत जी, आपको समझ में आया समिफ का टोटल? हेलो,
जी ओके तो ये हमारा समिट का टोटल है। बट इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि मुझे यहां पे चाहिए, मुझे मुझे चाहिए टोटल चाहिए कि भाई एमआरपी 45 से बड़ा एमआरपी कौन कौन है, कि का सम क्वांटिटी कितना है। मुझे टोटल करना है ऐसे लोगों का जिसकी एमआरपी 45 से ऊपर है, तो उस केस में भी हम समिफ का इस्तेमाल करेंगे। समिफ और सिंपल हम इसको यहां से एमआरपी को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया इसको सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके आप चाहो तो इसी में आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसी में आप लिख भी सकते हो ग्रेटर देन 45, या फिर कॉन्केट इस्तेमाल करके इसको आपस में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, अब जैसे सम इफ हमने इस्तेमाल किया, वैसे और भी चीजें हैं तो उसके बारे में बाद में चलते हैं। पहले हम आते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होगा तब क्या करेंगे। जैसे मुझे नीरज और न्यू दिल्ली में चाहिए, नीरज का टोटल न्यू दिल्ली में चाहिए, या फिर मुझे ग्रेटर देन 85 से टू 95 का टोटल चाहिए, ऐसे मल्टीपल कंडीशंस, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके सम इफ्स का फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ्स, और इफ्स का लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। रेंज मतलब कि कोई पर्टिकुलर रेंज जिसका आपका टोटल करना है। फिर बात करता है क्राइटेरिया वन मैच की, पहली क्राइटेरिया कहाँ मैच करनी, तो हमने बोला पहली क्राइटेरिया मैच करनी एक कॉलर में, क्राइटेरिया क्या है तो नीरज है। दूसरी क्राइटेरिया क्या है तो ये हमारा सिटी है, और दूसरी क्राइटेरिया क्या है न्यू दिल्ली है। इसी तरह तीसरी चौथी पांचवी करते जाइए और यहां आपका आपका टोटल आ जाएगा। और जैसे आपने यहां पे इसको करना है तो इसको भी आप कर सकते हैं कि सम इफ्स, और हमने यहां पे ले लिया रेंज, मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, और पहली क्राइटेरिया है कि भाई ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 45। और फिर हमने दूसरी क्राइटेरिया यहां पे लिया और हमने बोल दिया कि लेस देन इक्वल टू 85, नहीं 80 था ना, 95 था ना, हमने ध्यान नहीं दिया था उस पर। सीसी नहीं होगा, डी डी सी का टोटल चाहिए, डी में ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा करना है, तो आप सम इफ के फॉर्मूले में ये सारे कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे रवि कुमार है, रवि सिंह है, तो दोनों का टोटल चाहते हैं, तो यहां पे लाइक कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सम इफ हो चाहे सम इफ्स हो। जैसे हमने यहां पे इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसका टोटल यहां से लेते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टार अगर दोनों तरफ लगाते हैं तो रवि और रवि कुमार दोनों का टोटल ले रहा है, अगर स्टार हटा देते हैं सिर्फ रवि का टोटल लेता है। तो स्टार रवि अगर मैंने लिखा तो ये हो गया एंड बीत, रवि स्टार लिखा तो हो गया स्टार्ट बीत, दोनों तरफ हमने लगा दिया तो ये हो गया एंड कंटेन। ये फैसिलिटी आप इस पे भी कर सकते हो। अब सम इफ के बाद या सम इफ्स के बाद एक और फॉर्मूला होता है, वो आता है एवरेज इफ। तो एवरेज इफ जस्ट लाइक ए सम इफ, जैसे सम इफ लगाते हो उसी तरीके से हम एवरेज इफ लगाते हैं।
आपको एवरेज देता है कि भाई पर्टिकुलर कॉलम को कंडीशंस के बिहाफ पे एवरेज किया है, एवरेजिंग। और ऐसे ही आपका एवरेज इफ्स है, जो चीज एवरेज इफ में है वही आपको एवरेज इफ्स में भी है। सम इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ, बहुत आता सेम फॉर्मूला, बस रिजल्ट अलग अलग है। ठीक है सर, लगाने का तरीका वही है कि पहले आप एवरेज ले लीजिए, फिर क्राइटेरिया वन रेंज, फिर क्राइटेरिया वन, देन क्राइटेरिया टू रेंज एंड क्राइटेरिया टू, और आपको यहाँ पे एवरेज दिख जाएगा। और एवरेज इफ में भी, एवरेज इफ में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा काउंट इफ का फॉर्मूला। जी हाँ, काउंट इफ। तो काउंट कई फॉर्मूले हैं। सबसे पहला एक फॉर्मूला है काउंट, जो कि नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं। जैसे मैंने मान लीजिए कि इसमें सेलेक्ट कर लिया, तो अब काउंट दिया सेवन, अगर कोई स्पेस दे दिए, कोई ऐसा टेक्स्ट लिख दिया, तो ये आपका सिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स को काउंट नहीं करता। जैसे नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। फिर इसमें आता है आपका काउंट ए। काउंट ए इट मींस काउंट ऑल। तो हमने सेलेक्ट किया और नंबर टेक्स्ट ब्लैंक छोड़कर सबको काउंट करता है। अगर ब्लैंक काउंट करना है तो हमारे पास काउंट ब्लैंक का ऑप्शन है। ये तो तीन फॉर्मूले हैं जो कि फिक्स लेंथ में। इसके अलावा कंडीशनल काउंट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है काउंट इफ का, जो कि मैं इसको इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। और इस काउंट इफ में भी ये सारे चीजें कर सकते, बट मल्टीपल कंडीशंस हो तो हमारे पास काउंट इफ्स होते हैं। और काउंट इफ्स में भी वो सारी चीजें कर सकते जो आप बाकी चीजों सम इफ्स और एवरेज इफ में आपने किया है। क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू एंड क्राइटेरिया टू, ये आपके पास रिजल्ट है। ओके सर, समझ में आ गया आप लोगों को? जी बिल्कुल। डाउट इसमें? No doubts. तो आपके पास एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ठीक है? देखिए आपके सामने डेटा है, लेकिन क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे अगर जनवरी का टोटल चाहिए तो कैसे होगा, समझे? इसमें मुझे, मैं डेट वाइज डेटा है, अब मुझे यहाँ पे जैन का टोटल चाहिए, ये देख लीजिए, ये आई थिंक नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि जैन से हमने डेट बनाया कि वन डैश, हमने जैन को सिलेक्ट किया 2017 या फिर 2000, ईयर जरा ईयर दे दीजिए, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, पूरा डेट आ जाएगा हमारा। ये अपने आप चेंज हो गया सारा, तो ये हमने कन्वर्ट किया तो मुझे डेट आ गया। अब मैं यहाँ पे ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे इस महीने का लास्ट डेट पता चल जाएगा। लेकिन जो डेट है, ये डेट है नहीं, इस पे आप प्लस जीरो या मल्टीप्लाई पर वन कर रहे तो आपका डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो डेट आ गया। तो हमने मंथ के एक वर्ड से, मंथ का वर्ड से हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा कि सम इफ्स, हमने बोला कि हमारा सम रेंज है क्वांटिटी और पहली क्राइटेरिया रेंज है ए और क्राइटेरिया है इज द ग्रेटर देन इक्वल टू और डेट, हमने डेट को कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं वापस हम इसको सेलेक्ट करते हैं डेट को, और यहां पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू और इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया एंड डेट को, तो ये आपका जैन का टोटल दिख गया। और यहां पे आपको फाइव का टोटल मार्क्स। अब इसी कंसेप्ट को लेते हुए आप समरी में जाएं, मुझे इस चार क्वेश्चन का जवाब दें। पहला क्वेश्चन कि मैं यहाँ पे सिटी नेम, सिटी और ईयर सेलेक्ट करूं तो मुझे यहाँ पे मंथली रिपोर्ट आ जाए, ये मान लीजिए 2019 का रहता है।
उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जैन, यहाँ पे एक डेट है कि जैन से जुलाई किस ईयर का, तो 2019 का, तो मुझे जैन से जुलाई का टोटल सिटी वाइज आ जाए। मैं यहाँ पे अगर ईयर डाला 2019 तो मुझे इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट, क्वार्टरली टोटल आ जाए, और मैं यहाँ पे 2019 और मंथ जैन डाला तो मुझे यहाँ पे इसकी वीकली रिपोर्ट आ जाए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको मेल कर देता हूं और आपको इसको बना के देना है मुझे, वो भी अभी। और रेशो डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी आप लोग। ठीक है, इसको बनाइए आप लोग। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा समराइजेशन में हम बात करेंगे समिफ के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे समिफ के बारे में और समिफ से रिलेटेड हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। दे दिया सर मैंने। ठीक, फाइल मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आपके सामने मेरे पास एक डेटा है, मैं एक डेटा को देखता हूं। डेटा है आपके सामने, अब इस डेटा अब डेटा आपके सामने है, अब मुझे इस डेटा के ऊपर मान लीजिए कुछ सम करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इसके ऊपर नेम वाइज उनके क्वांटिटी का टोटल चाहिए, ठीक है। मुझे नेम वाइज इसकी क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम इसको जनरली, जैसे कि अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो जनरली हम पिवट इस्तेमाल करते हैं, तो हम पिवट टेबल में जाएंगे और इसका टोटल निकाल सकते हैं कि भाई नेम वाइज क्वांटिटी का टोटल क्या है, आ जाएगा। लेकिन मुझे इसी नेम के हिसाब से टोटल चाहिए बाया फॉर्मूला, क्योंकि इसलिए इसको हम डेटा समराइजेशन फॉर्मूला कहते हैं कि जो समराइजेशन हम पिवट के जरिए करते हैं सेम चीज हम यहां पे करना चाहते हैं। एक सेकंड कीजिएगा। हमारी क्लासेज ऑनलाइन होती है रिमोट शेयरिंग सिस्टम से, जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं, लाइव इंटरैक्टिव वन टू वन। नहीं सर, हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसलिए क्लासेज ऑनलाइन देते हैं। ऑनलाइन लाइव होता है सर, कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है। एक ऐप के जरिए, जैसे कि एनीडेक्स हो गया, जूम हो गया, गोटूमीट हो गया, ऐसे ऐप के जरिए हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। लाइव क्वेश्चन होगा, ऐसे में आपको 3 से 4 डेमो क्लास देंगे। आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भर दें। एक दो क्लास डेमो क्लास ले, अगर अच्छा लगे तो फिर आगे बातचीत, बाकी चीजों पर बातचीत कर लेंगे। स्वामी कहते हैं लाइव है हमारा, लाइव और इंटरेक्टिव है, मतलब कि क्लासेस में मैं खुद बैठूंगा और आप भी बैठेंगे, हम दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे, फोन देखकर से इंटरेक्ट है,
ऐसे हेडफोन्स इंटरेक्ट रहेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस है, तो आप एक वेबसाइट iptindia.com पे जाए, वो अपने अकॉर्डिंग कोर्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप डिसाइड कर लें। एडवांस एक्शन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल जो कि 2 महीने का कोर्स है, इसकी फीस आपको पड़ेगी 7,500। हाँ, एक्सेल और एक्सेल फॉर्मूला नहीं, वो तो सर एमएस ऑफिस में जाता है। आपने एडवांस एक्सेल की इंक्वायरी किया है। देखिए एमए ऑफिस अगर करते हैं तो उसमें आपका एडवांस नहीं होगा, इंटरमीडिएट लेवल होगा। फिर 6,000 का पैकेज है जिसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक सारा आता है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल होता है, एडवांस लेवल नहीं होता। नहीं, एडवांस में सिर्फ हमारे पास एक्सेल है, एक्सेल है, एमआईएस है। सॉरी सर, मैं आपका 2 मिनट बर्बाद कर दिया। तो यहां पे हमारे पास डेटा है और मुझे इस डेटा में यहां से टोटल निकालना है, किसकी क्वांटिटी, जिसको हमने जिसके लिए हमने पिवट का इस्तेमाल किया था। बट पिवट का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे रियल टाइम अपडेशन चाहिए। तो उस केस में हम यहां पे सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। अब सम इफ क्यों कर रहे हैं, देखिए मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, सम इफ और सम इफ्स। बट हम सम इफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही कंडीशन है कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए। तो हमने यहां पे इसको सेलेक्ट किया और हमने पूजा को सिलेक्ट किया, मतलब पहले क्राइटेरिया, मतलब कि किसमें मैच करना है, क्या मैच करना है और टोटल क्या है, वो आप यहां पे डाल दीजिए। आ गया। और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। आप बोलोगे तो मैं इसको दोबारा बना लगा के दिखाता हूं। मैंने यहां पे क्या किया, इक्वल सम इफ, हमने रेंज को लिया, कॉमा क्राइटेरिया लिया और हमने यहां पे ले लिया क्वांटिटी। इस तरह से हम इसका टोटल निकालते हैं। तो रजनीकांत जी, आपको समझ में आया सम इफ का टोटल? हेलो जी। ओके, तो ये हमारा सम इफ का टोटल है। बट इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि मुझे यहां पे चाहिए, मुझे मुझे चाहिए टोटल चाहिए कि भाई एमआरपी 45 से बड़ा एमआरपी कौन कौन है, कि का सम क्वांटिटी कितना है। मुझे टोटल करना है ऐसे लोगों का जिसकी एमआरपी 45 से ऊपर है, तो उस केस में भी हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, सम इफ। और सिंपल हम इसको यहां से एमआरपी को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया इसको सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, आप चाहो तो इसी में आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसी में आप लिख भी सकते हो ग्रेटर देन 45, या फिर कॉन्करेंट इस्तेमाल करके इसको आपस में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, जैसे सम इफ हमने इस्तेमाल किया वैसे और भी चीजें हैं, तो उसके बारे में बाद में चलते हैं। पहले हम आते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होगा तब क्या करेंगे। जैसे मुझे नीरज और न्यू दिल्ली में चाहिए, नीरज का टोटल न्यू दिल्ली में चाहिए, या फिर मुझे ग्रेटर देन 85 से 295 का टोटल चाहिए, ऐसे मल्टीपल कंडीशंस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सम इफ्स का फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ्स, और इफ्स का लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। रेंज मतलब कि कोई पर्टिकुलर रेंज जिसका आपका टोटल करना है। फिर बात करता है क्राइटेरिया वन में, कि पहली क्राइटेरिया कहाँ मैच करनी है। हमने बोला पहली क्राइटेरिया मैच करनी है एक कॉलर में, क्राइटेरिया क्या है तो नीरज है,
दूसरी क्राइटेरिया क्या है, तो ये हमारा सिटी है, और दूसरी क्राइटेरिया क्या है, न्यू दिल्ली है। इसी तरह तीसरी चौथी पांचवी करते जाइए और यहां आपका आपका टोटल आ जाएगा। और जैसे आपने यहां पे इसको करना है तो इसको भी आप कर सकते हैं कि सम इफ्स, और हमने यहां पे ले लिया रेंज, मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, और पहली क्राइटेरिया है कि भाई ग्रेटर देन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 45, और फिर हमने दूसरी क्राइटेरिया यहां पे लिया और हमने बोल दिया कि लेस देन इक्वल टू 85, नहीं 80 था नंबर, 95 था, हमने ध्यान नहीं दिया था उस पर। सीसी नहीं होगा, डी डी सी का टोटल चाहिए, डी में ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और लेस देन इक्वल टू यहां पे कॉमा करना है। तो आप सम इफ के फॉर्मूले में ये सारे कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे रवि कुमार है, रवि सिंह है, तो आप दोनों का टोटल चाहते हैं, तो यहां पे लाइक कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सम इफ हो चाहे सम इफ हो। जैसे हमने यहां पे इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसका टोटल यहां से लेते हैं। मैं यहां पे स्टार अगर दोनों तरफ लगाते हैं तो रवि और रवि कुमार दोनों का टोटल ले रहा है, अगर स्टार हटा देते हैं सिर्फ रवि का टोटल लेता है। तो स्टार रवि अगर मैंने लिखा तो ये हो गया एन बीत, रवि स्टार लिखा तो हो गया स्टार्ट बीत, और दोनों तरफ हमने लगा दिया तो ये हो गया एन कंटेन। ये फैसिलिटी आप इस पे भी कर सकते हो। अब सम इफ के बाद या सम इफ्स के बाद एक और फॉर्मूला होता है, वो आता है एवरेज इफ। तो एवरेज इफ जस्ट लाइक अ सम इफ, जैसे सम इफ लगाते हो उसी तरीके से हम एवरेज इफ लगाते हैं, वो आपको एवरेज देता है कि भाई पर्टिकुलर कॉलम को कंडीशंस के बिहाफ पे एवरेज किया है, एवरेज इफ। और ऐसे ही आपका एवरेज इफ्स है, जो चीज एवरेज इफ में है वही आपको एवरेज इफ्स में भी है। सम इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ, बोथ आर द सेम फॉर्मूला, बस रिजल्ट अलग अलग है। ठीक है सर, लगाने का तरीका वही है कि पहले आप एवरेज ले लीजिए, फिर क्राइटेरिया वन रेंज, फिर क्राइटेरिया वन, देन क्राइटेरिया टू रेंज एंड क्राइटेरिया टू, और आपको यहाँ पे एवरेज दिख जाएगा। और एवरेज इफ में भी, एवरेज इफ में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा काउंट इफ का फॉर्मूला। जी हाँ, काउंट इफ। तो काउंट कई फॉर्मूले हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला है काउंट, जो कि नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं। जैसे मैंने मान लीजिए कि इसमें सेलेक्ट कर लिया तो अब काउंट दिया 7, अगर कोई स्पेस दे दिए, कोई ऐसा टेक्स्ट लिख दिया तो ये आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स को काउंट नहीं करता, इसे नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। फिर इसमें आता है आपका काउंट ए, काउंट ए इट मींस काउंट ऑल। तो हमने सिलेक्ट किया और नंबर टेक्स्ट ब्लैंक छोड़कर सबको काउंट करता है। अगर ब्लैंक काउंट करना है तो हमारे पास काउंट ब्लैंक का ऑप्शन है। ये तो तीन फॉर्मूले हैं जो कि फिक्स लेंथ में, जिसके अलावा कंडीशनल काउंट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है काउंट इफ का, जो कि मैं इसको इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। और इस काउंट इफ में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट मल्टीपल कंडीशंस हो तो हमारे पास काउंट इफ्स होते हैं,
और काउंट इफ्स में भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप बाकी चीजों सम इफ्स और एवरेज इफ्स में आपने किया है. क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू एंड क्राइटेरिया टू, ये आपके पास रिजल्ट है. ओके सर, समझ में आ गया आप लोगों को? जी बिल्कुल. डाउट इसमें? नो डाउट्स. तो आपके पास एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ठीक है? देखिए आपके सामने डेटा है, लेकिन क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देख लीजिए. जैसे कि मैंने बोला कि मुझे अगर जनवरी का टोटल चाहिए तो कैसे होगा, समझे? इसमें मुझे मैं डेट वाइज डेटा है, अब मुझे यहाँ पे जैन का टोटल चाहिए. ये देख लीजिए, आई थिंक नहीं होगा. तो मैंने क्या किया कि जैन से हमने डेट बनाया कि वन डैश, हमने जैन को सिलेक्ट किया 2017 या फिर 2000 ईयर जरा ईयर दे दीजिए. मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, पूरा डेट आ जाएगा हमारा. अपने आप चेंज हो गया सर. तो ये हमने कंबाइन किया तो मुझे डेट आ गया. अब मैं यहां पे ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे इस महीने का लास्ट डेट पता चल जाएगा. लेकिन जो डेट है ये डेट है नहीं, इस पे आप प्लस जीरो या मल्टीप्लाई बाय वन कर रहे तो आपका डेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दो डेट आ गए. तो हमने मंथ के एक वर्ड से, मंथ का वर्ड से हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट निकाल लिया. अब मैं यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा कि सम इफ्स, हमने बोला कि हमारा सम रेंज है क्वांटिटी और पहली क्राइटेरिया रेंज है ए और क्राइटेरिया है इज द ग्रेटर देन इक्वल टू और डेट. हमने डेट को कंबाइन कर दिया. अब यहाँ पे मैं वापस हम इसको सेलेक्ट करते हैं डेट को और यहां पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू और इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया एंड डेट को. तो ये आपका जैन का टोटल दिख गया और यहां पे आपको फैब का टोटल मार्क्स. अब इसी कंसेप्ट को लेते हुए आप समरी में जाएं, मुझे इस चार क्वेश्चन का जवाब दें. पहला क्वेश्चन कि मैं यहाँ पे सिटी नेम, सिटी और ईयर सिलेक्ट करूं तो मुझे यहाँ पे मंथली रिपोर्ट आ जाए. ये मान लीजिए 2019 का रहता है. उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक डेट है कि जैन से जुलाई किस ईयर का, तो 2019 का. तो मुझे जैन से जुलाई का टोटल सिटी वाइज आ जाए. मैं यहाँ पे अगर ईयर डाला 2019 तो मुझे इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट, क्वार्टरली टोटल आ जाए. और मैं यहाँ पे 2019 और मंथ जैन डाला तो मुझे यहाँ पे इसकी वीकली रिपोर्ट आ जाए. ये आपका होमवर्क है, ठीक है? मैं आपको मेल कर देता हूँ और आपको इसको बना के देना है मुझे, वो भी अभी. और रेशियो डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी आप लोग. ठीक है, इसको बनाइए आप. आज की हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप का फॉर्मूला. जी हाँ, वी लुकअप, हमने लुकअप रेफरेंस मेथड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे. तो पिछली क्लासेस में हमने आपको वी लुकअप के बारे में बताया, हमने आपको मैच और इंडेक्स के बारे में बताया, ऑफसेट के बारे में बताया, एच लुकअप के बारे में बताया. आज हम आपके साथ कुछ वी लुकअप के ट्रिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं.
जैसे कि आपके सामने एक डेटा है हमारा, डेटा में एक सेल्स की आईडी है जो कि इम्पोर्टेंट आईडी है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास सिटी है और इसकी क्वांटिटी मैं यहां से कॉपी करता हूं, एक नई शीट पे ले जाता हूं। अब मेरे पास नेम है और यहां पे उनकी सिटी है। अब प्रॉब्लम यह है कि कविता इसमें कई बार रिपीटेड है, या पूजा पुणे में भी है और मान लीजिए पूजा हमारा जयपुर में भी है, और मान लीजिए पूजा हमारा ये आपका नागपुर में भी है। तो मुझे यहां पे नेम सिटी और यहां पे क्वांटिटी चाहिए। तो नेम में हमने पूजा दिया और यहां मैं बोलता हूं पुणे का सेल चाहिए। तो चलो पूजा पर यहां पे, क्योंकि अगर आपने नॉर्मली पूजा एक बार रिपीट हो रहा है तो पूजा का अकॉर्डिंग लगा लीजिए, लेकिन पूजा यहां पे मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा है, पूजा हमारा मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम हमारा रिपीट कर रहा है, तो किसी भी कंडीशन में वी लुकअप दो कंडीशंस को मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें एक रो इंसर्ट करना होगा, एक अलग कॉलम हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे एक नया कॉलम को इंसर्ट किया, और इस पे हमें कुछ यूनिक आईडी बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे हम इन दोनों को लिंक कर देंगे, आपस में मैंने इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन हो गया और फिर इसको नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया हमने एन परसेंट के साथ, ज्वाइन किया इसको पुणे को और यहां पे आ गए एन कॉमा 1 2 3 4। ऐसा अगर तीन कंडीशन है तो तीन कंडीशन को, चार कंडीशन है तो चार कंडीशन को कंबाइन करके किया जा सकता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? सर एक बार रिपीट कर देंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पे क्या किया कि इन दोनों को मर्ज कर दिया, सिंपल सा कॉन्कॉर्डेंट लगा के, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन एक और आता है, क्वेश्चन यहां पे एक और आता है कि अगर कई बार रिपीटेड है, अगर डेटा मान लीजिए आपके आपकी एक ही नाम कई बार रिपीटेड है, तो इसमें आप अपना पहला तो यहां पे आपको आ जाएगा, इस
इसमें मान लीजिए कि अगर हम पूजा कहीं ढूंढें तो पूजा इस पे कई बार रिपीटेड है। अगर मैंने यहाँ पे दिया कि पूजा और हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया और डेटा में हमने इसको कॉमा टू कॉमा जीरो कर दिया, 51 आ गया। लेकिन मुझे चाहिए सबसे लास्ट वाली पूजा की सेल, ये हमें 68 नहीं 66 ये चाहिए। सबसे लास्ट तो इसमें कोई मैक्स इफ का फॉर्मूला तो है नहीं कि आप मैक्स इफ नया फॉर्मूला आया लगा सकते हैं, मैक इफ का नया फॉर्मूला आया है आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तो इसमें भी आपको पूजा के हाईएस्ट नंबर देगा, मुझे इसमें चाहिए सबसे लास्ट वैल्यू पूजा। तो इसके लिए भी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट दिखाता बट लास्ट वैल्यू कैसे दिखेगी। लास्ट वैल्यू तो मुश्किल है ना, तो यहां पे हम देंगे यहां देंगे क्या देंगे एक तरीका है एरर के तरीके से हम कर सकते हैं। एक यहां पे क्वेश्चन है यहां पे काउंट इफ का, काउंट इफ के जरिए हर एक इसका सीरियल नंबर हम देंगे B2 से B2 कॉमा B2। तो अगर मैं पहले वाले B2 को अगर फ्रीज कर देता हूं फिर इसको नीचे के तरफ मैं ड्रैग करता हूं तो अगर आप फिल्टर करके देखोगे तो हर नाम को इसने एक यूनिक वैल्यू दे दिया। तो मुझे सबसे हाईएस्ट 11 है उसका नंबर यहां पे चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मुझे यहां पे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए 11। तो इसके लिए हम यहां पे इसके साथ कॉनकेटा नेट कर रहे हैं इसको नेम ताकि वन पूजा टू पूजा और कविता पूजा आ जाए और यहां हम वी लुकअप लगाएंगे तो लुकअप वैल्यू में होगा काउंट इफ और काउंट इफ में हमने इस नेम को लिया और इसको ले लिया तो ये बता देगा कि आखिर कितना बार रिपीट हो रहा है। इसके साथ इसका नाम हमने दे दिया और हम लुकअप में इसको लगा देते हैं कॉमा 3, 66। काम कैसे कर रहा है देखिए यहां आपके सामने दिख रहा है कि काउंट इफ का फॉर्मूला क्या कर रहा है पूजा काउंट करके दे रहा है कि 13 इस पूजा इस कॉलम में 13 बार आया हुआ है तो 13वां चाहिए तो 13 हो गया हमने दे दिया। अब 13 के साथ हमने डैश लगा के पूजा को कंबाइन कर दिया तो यहां पर आपको 13 पूजा आ गया और फिर हमने इसको आपस में किया तो यह आपका 66 दिख गया। तो पूजा के लास्ट वैल्यू यहां पे दिख गई। क्लियर है कोई डाउट इसमें? हेलो नहीं नहीं सर आ गया ना। क्लियर है सर? ये फाइल शेयर कर दीजिएगा क्लास के बाद। जी सर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा क्वेश्चन में हम चलते हैं, ये भी लुकअप से रिलेटेड ही हम इस चीज को कर रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमने इसकी अकॉर्डिंग चला, दूसरे क्वेश्चन में हमने ये डाला, तीसरा क्वेश्चन चलिए हम बनाते हैं क्या होना चाहिए वी लुकअप। तो हमने यहाँ पे पहली और दूसरी रिपीटेड जो वैल्यू होती है उसमें दिक्कत होती है। अब चलिए रिपीटेड की ही बात करते हैं। अभी यहाँ पे हम तीसरे एग्जांपल में आते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए उदय कुमार, ये मान लीजिए कि एक ही बार डेटा आया हुआ है, ये बहुत सारा डेटा हमें इसमें से हटा देते हैं।
मेरे पास उदय कुमार है, लेकिन मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ उदय, क्योंकि कभी उदय आता है कभी पे उदय कुमार आता है, मुझे इसकी क्वांटिटी को मैच करना है। उसके लिए यहाँ हम वी लुकअप लगाएंगे, उदय को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, कॉमा टू कॉमा जीरो करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि एन आया। अगर उदय होता तो यहाँ पे आपको दिख जाता, मेरा नाम में उदय कुमार। तो अगर मैं अपने इस डेटा में अगर मैं दोनों तरफ स्टार लगा देता हूं तो यहां पे हमारा डेटा दिख जा रहा है, मतलब दोनों तरफ स्टार लगा दिया जिसका इसको इसका ये हो गया कंटेन। अगर मैंने स्टार उदय किया तो हो गया एंड विद, अगर मैंने उदय कर दिया और फिर स्टार लगाया तो हो गया स्टार्ट विद, समझे? स्टार्ट विद एंड विद, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो अपने डेटा में लगाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास यहां सिर्फ उदय लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे नाम, तो हर किसी में जाके स्टार लगाना तो पॉसिबल नहीं ना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे दादा, उस केस में मैं वी लुकअप में ही स्टार को ऐड कर स्टार को ऐड कर दूंगा, एक तरफ करना कंबाइंड कॉन्कट आने से लगा। लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए इसमें जो है एक R40 के नाम से या R70 के नाम से यहाँ पे कुछ नाम ऐसे डले, तो ये यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे R10 भी हो सकता है, मतलब कि हमारे पास कुछ तो एम्प्लॉई हैं जो कि हमारे इनहाउसेस के हैं, कुछ एम्प्लॉय हैं जो कि हायर किए गए हैं वेंडर के थ्रू। तो वेंडर के थ्रू जो हायर हुआ तो उनका नाम हमने रखते हैं, उसकी वेंडर का जो कोड होता है वो कोड हम रखते हैं। तो मुझे मान लीजिए कि एक डेटा में वेंडर कोड हो सकता है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं 3 डिजिट वाला नंबर को लुकअप करना चाहता हूँ। तो उस केस में हम 3 बार क्वेश्चन मार्क डालेंगे और वी लुकअप लगा देंगे, तो जो जिसके अंदर 3 डिजिट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लुकअप कर देगा, सिर्फ 3 डिजिट वाले जो होंगे वो आपका लुकअप यहाँ कर देगा, ठीक है? किसी को डाउट? नो सर। तो 3 डिजिट वाले यहाँ पे आपके लुकअप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर आपने 3 क्वेश्चन मार्क दे दिया तो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये नंबर पे अप्लीकेबल नहीं है, समझे? कि अगर मैं यहाँ पे कर दू 781 और यहाँ एन में आया, क्यों? क्योंकि नंबर पे क्वेश्चन मार्क या फिर भी स्टक किया है कि नंबर के ऊपर नहीं चलता है, समझ गए? क्लियर है? जी हाँ, ये नंबर के ऊपर आपके नहीं चलेंगे, इसका ध्यान आपको रखिए। तीसरा यहाँ पे आता है कि मेरे यहाँ पे सेल्स डले हुए हैं, मैं यहाँ पे उस सेल्स के फिगर डले हुए हैं, अब मुझे इस पे इंसेंटिव देना है। आप बोलेंगे सर इंसेंटिव के लिए तो जनरली हम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वी लुकअप क्यों 41 to 30 हो,
1000 81 to 100 हो तो 2000 और greater than 100 हो तो 5000 ठीक है। क्लियर है? इसको अगर इस पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे इससे पहले लगाया था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसको हम बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग पॉइंट आप यहां पे लिख दीजिए और यहां पे इसको आप कॉपी कर देते हैं और सिंपली मैं यहां पे देता हूं फॉर्मूला वी लुकअप। हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा 2, 0। लेकिन जीरो करने से क्या होगा? एग्जैक्ट मैच मतलब कि फॉल्स। मैं यहाँ पे वन मीन्स ट्रू कर देता हूं तो ये हमारा ग्रुप लुकिंग करेगा। ये देखेगा कि 47 किसके बिटवीन में है, जिसके बिटवीन में है उसका ऊपर वाला पार्ट के सामने वाले वैल्यू शो करेगा। तो ये आपका वी लुकअप से भी कर सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि वी लुकअप में ये आपका जीरो के जगह पे वन का क्या एग्जाम्पल क्या यूज है, तो आप यहां पे बता सकते हो। बात होती है कि यहां पे आप एक चीज और कर सकते हैं, लुकअप। लुकअप हमने इसको लुकअप में लिया और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और कॉमा इसको सिलेक्ट कर दिया। लेकिन लुकअप का बेनिफिट है कि आप जो है इसके अंदर अपने डेटा को भी दे सकते हो। 41, 81, 101 को क्लोज किया कॉमा यहाँ पे 500, 1000, 2000 and 5 रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, डाउट इसमें? नो सर। चलिए इसका यूज कर सकते।